सिंदूर भरी। अब मंगलसूत्र पहनाइए। अब भरत को इनसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि अब मिस्टर मुकुंद तिवारी अकेले नहीं है, उनकी पत्नी उनके साथ है जो भरत का ख्याल रखने में सक्षम है। इसलिए कानूनन रूप से भी अब भरत इनके साथ ही रहेगा। ये क्या बकवास है? बंद करो ये नौटंकी। तुम मेरा बेशर्मी की तो हद ही हो गई। रुक जाइए बेबी काजू। ये अब आपकी सिर्फ बहन ही नहीं है, मेरी पत्नी भी है। मत भूलो, ये तुम्हारी पत्नी होने से पहले ये मेरी बहन है। इस पे हक मेरा पहले है। चलो तुम चलो चलो।
वाह मुकुंद तिवारी वाह, हाथ नहीं उठाओगे, मेरी पत्नी है वो। मेरी माँ को गुजरे 2 महीने नहीं हुए और आप नई शादी करने चले। इससे तो ये साबित होता है आप तो इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी माँ मरे और कल आप ये बात करो। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी माँ पहले ही गुजर गई, वरना आपका ये कैरेक्टर देख के वो तो जीते जी मर जाती। माँ का जिक्र अपनी जुबान से तुम ना ही करो तो बेहतर है। माँ की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, भूलो मत। और तुम्हारी तड़प ना मैं अच्छे से समझ रही हूँ आदित्य तिवारी, क्योंकि इस शादी के बाद तुमने सब कुछ खो दिया। जाओ अपने लॉयर के पास और कोई नया बेहतरा ढूंढो, क्योंकि ना तो तुम्हें भरत मिलेगा और ना ही जायदाद में से फूटी कौड़ी। सॉरी, ये केस पूरी तरह से बदल चुका है। अब मेरे लिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। शर्मा रुकिए, आप ठीक है? भरत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये शादी सिर्फ भरत को बचाने के लिए नहीं, तुम्हारे नए रिश्ते के लिए भी की गई है। पापा, लेकिन एक मिनट, ऋतिक, हाँ जो कुछ भी हुआ उससे नव्या को मत परखना। इसके बर्ताव का कारण भरत था, नव्या लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। भले ही इसने भरत को जन्म ना दिया हो, लेकिन भरत में इसकी जान बसती है, और समझ लीजिए कि मेरी जान इसमें बसती है। आप चिंता मत करिए, इतने कम समय में इतना तो समझ ही गया हूं कि गलत समझने का कोई चांस ही नहीं है। पंडित जी, सिंदूर देना। वादा करता हूँ ना फिर, आज के बाद किसी को भी तुम्हारी खुशियों के रास्ते में नहीं आने दूंगा। मैं मासी को बुला के लाता हूँ। सकती हो पर मैं नहीं, क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। कितने साल बीत गए पापा जी की मौत को, पर पापा जी की मौत का सीक्रेट मैंने किसी को नहीं बताया। दुनिया तो दूर, मैंने खुद को भी नहीं बताया। What do you think? क्यों मैंने कभी भी तुम्हें घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी? क्यों मैं परेशान थी तुम्हारी शादी को लेकर? क्यों अपने हस्बैंड को छोड़कर मैं तुम्हें और पापा जी के घर को संभालने के लिए आ गई थी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम खुद की और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं सकती। और आज तुमने अचानक से 50 साल के आदमी और उसके दूध पीते बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। Have you gone mad or what? होश में तो हो तुम मीरा? नहीं कर पाओगी ये तुम। I can bet on this. 10 दिन के अंदर तुम वापस आ जाओगी। फिर उन दोनों का क्या? हाँ, कभी सोचा है उन बाप बेटे का कि उनका क्या होगा? उनकी लाइफ तो खत्म हो जाएगी। तुम तो अपने माथे पे कलंक लगा के जीती रहोगी, और तुम जी भी लोगी,
पर कभी सोचा है उन दोनों की लाइफ का क्या होगा? कहां जाएंगे वो लोग? नहीं समझोगे तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा है। जी बहुत घबरा रहा है पापा। पता है आज अगर रेनू होती तो क्या बोलती? बंसी वाले पे भरोसा रखिए, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। चिंता मत करो, बंसी वाले सब ठीक कर देंगे। भरत, मीरा जी के साथ रह लेगा ना? नव्या तुम चिंता क्यों कर रही हो? मीरा जी संभाल लेंगी भरत को, और बच्चों के बारे में, घर के काम के बारे में सब अच्छे से जानती है। आई नो, पर आप समझ सकते हैं ना, मैं भरत के बारे में सोच रही हूँ। बहुत छोटा है वो। पापा, हम एक काम कर सकते हैं। आप ना मीरा जी को कह देना कि जब भी भरत को लेकर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, भरत के बारे में कुछ समझ में ना आए ना, तो वो मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैंने वीडियो कॉल पे सब कुछ समझा दूंगी। अरे इसकी नौबत नहीं आएगी नव्या, सच कह रहा हूँ, मीरा संभाल लेगी। और वैसे भी ये शादी मैंने तुम्हारे लिए और भरत के लिए ही की है, वरना रेणुका के बाद किसी और के साथ संबंध रखने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम छोड़ो ये सब बातें, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे। बस मैं यही चाहता हूँ, जैसे तुमने तिवारी निवास को खुशियों से भर दिया था ना, वैसे ही तुम इस घर को भी खुशियों से भर देना। इतनी मुश्किल से एक प्लान बनाया था, वो भी फेल हो गया। सीरियसली, मुझे तो अब डर लगने लगा है। मॉम ने तुम्हें जेल से इसीलिए बाहर निकलवाया था ताकि तुम नव्या और ऋत्विक की शादी रोक सको। नव्या को तो छोड़ो, तुम्हारे पापा की भी शादी हो गई। पता नहीं मॉम तुम्हारे साथ क्या करेगी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? याद क्यों नहीं आई मुझे ये बात? इनफ मीरा, अब ये रोना धोना बंद करो, आंसू पहुंचो, नॉर्मल हो जाओ। देखो, जो हुआ सो हुआ, सबको भूल जाओ और इस प्रोग्राम को यही बंद करो। क्या हुआ मिमी, आप रो क्यों रही हो? मॉम ने तो नहीं बोला कुछ आपको? बस ऐसे ही, वो सडनली शादी हो गई ना, तो अब रियलाइज हो रहा है कि छोड़ के चली जाऊंगी ना तुम लोगों को। फाइल किस चीज की है बताओ? कुछ नहीं, ऐसे ही। दिखाओ तो। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं, सिर्फ एनजीओ के काम की फाइल है और कुछ नहीं। कम ऑन ऋत्विक, तुम दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है और ये काम लेके बैठ गए। हाँ, अब बिजनेस की बातें यहीं खत्म करो। लुक एट योर मीनिंग, पहले तो शादी कर ली बिना सोचे समझे, और अब घर छोड़ने के नाम से रोना आ रहा है। आई विश मीरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती, पर शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना, कुछ तैयारी भी नहीं कर पाई। एनीवेज, अब शादी तो जल्दी में हो गई है, अब हम शादी के बाद की रस्मों की तैयारी करते हैं, ठीक है मीरा? चलो। नव्या, अब भरत तुम्हारी नहीं मीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
चलो कम से कम एक कांटा तो हटा मेरे घर से। ये बच्चा बच्चा, अब मीरा की गलती मीरा भुगते। पता है दो दिन में आ जाएगी घर ये। I can bet on this. 10 दिन, 10 दिन के अंदर तुम वापस आ जाओगी। तुम तो अपने माथे पे कलंक लगा के जीती रहोगी और तुम जी भी लोगी, पर कभी सोचा है उन दोनों की लाइफ का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? ओ गॉड मीरा, ये क्या हो गया तुझसे? ऋत्विक का प्यार बचाने के लिए अपनी लाइफ की बलि दे दी? बीडी की बात सच हो गई तो कैसे संभालूंगी मैं ये सब? मीरा जी, मेरे पापा और भरत का ख्याल रखिएगा। तुम इस घर का और ऋत्विक का ख्याल रखना। चलो अब तुम दोनों घर के दरवाजे पे आ जाओ। घर की लक्ष्मी का स्वागत करना है ना, और बेटी की बिदाई भी करनी है। बेटा तुम कुमकुम की थाली लेके आओ। अब बेटे की शादी की है तो गृह प्रवेश भी करना होगा ना। चले मॉम, ये सारी रस्में पूरी क्यों कर रही है? आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में? मुझे तो लगा था कि वो इस शादी से अगेंस्ट है, बट अब उनकी खुशी देखकर मुझे टेंशन हो रही है। कहीं कहीं तुम्हें इस घर से जाना ना पड़े। लगता है तुमने अपनी माँ को देखा नहीं। उनके तेवर देखकर तो ये लग रहा है कि वो नव्या के इस नए परिवार की आबादी नहीं बल्कि बर्बादी की तैयारी कर रही है। मतलब अभी शादी तो हो गई, अब मॉम क्या कर सकती है? मतलब ये कि अगर शादी हो गई है तो टूट भी तो सकती है। नव्या और मेरी शादी भी तो टूट गई फाइनली। कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। वेलकम टू परमार फैमिली। गृह प्रवेश तो हो गया, अब तुम्हारी विदाई की बारी है। मीरा, ये चावल के दाने फेंकते हुए तुम्हें घर से बाहर निकलना है। मीरा जी, दीजिए भरत को। मीरा, अब तुम्हें मल्टीटास्किंग मदर बनना होगा, क्योंकि वहां पर नव्या नहीं होगी भरत को संभालने के लिए।
तू जाओ। इस तरह से उल्टे पैर के निशान बनना शुभ नहीं है।